हेलो फ्रेंड्स, हूँ जयदीप गुनलिया, आप सौनु मारुति एकेडमी में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां? तमारी प्रिपेरेशन बहुत मस्ती चाली रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, आजनो लेक्चर कि जे घणा बधा मित्रोनी रिक्वेस्ट थी कि साहेब अमने टीएनडी एटले के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आ सब्जेक्टना अमने आईएमपी टॉपिक्स आपो, आईएमपी क्वेश्चन आपो, जेथी अमने आवनारा जे भविष्यमां अमरी एग्जाम छे एमां अमे सारामां सारो स्कोर करी सकी। तो भला मित्रों, एटला ज माटे आज हूँ लईने आवी गयो छुं तमारा माटे महत्वनो एक जबरदस्त लेक्चर कि जे टीएनडी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन माटेना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अने टॉपिक साथे, जेथी तमने जो पूछाय तो आ टॉपिकमांथी ज पूछाई सके। तो वाला मित्रों, सौथी पहला आपणे केटला केटला चेप्टरमांथी शुं शुं पूछाय छे ए तमने समजावीश, पछी क्या चेप्टरमांथी केटला टॉपिक कवर करवा जोईए अने साथे तमारी बुक पण राखजो, बॉलपेन राखजो, जेथी हूँ तमने सब टॉपिक लखावतो जाऊँ, 2 मार्कना क्वेश्चन लखावतो जाऊँ, अथवा एवा न्यूमेरिकल्स छे कि जे 7 मार्कमां पूछायेला छे, 7 मार्कमां पूछायेला छे, अथवा केवा केवा टाइपना जे क्वेश्चन 7 मार्कमां पूछाय छे, बधुं तमने आज कहेवानुं छे वाला मित्रों। तो पूरेपूरो लेक्चर जोजो जेथी तमने बधा इन्फॉर्मेशन मळी रहे। अने हाँ वाला मित्रों, हजी सुधी मारुति एकेडमी चेनल सब्सक्राइब न करो तो सौथी पहला विद्यार्थी मित्रों सब्सक्राइब कर लेजो भाई, बराबर शुं करवानुं, सब्सक्राइब कर लेजो। अने आपणी टेलिग्राम चेनल छे, ए टेलिग्राम चेनलमां पण जोईन थई जाओ, जेथी मारे एमां तमने नोटिफिकेशन द्वारा तमने बधी वस्तु मळती रहे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज लेक्चर की शुरुआत करिए। सौथी पहला विद्यार्थी शुरुआत करिए ए छे टोटल टीएनडी में। तमने खबर जशे टोटल टीएनडी में 5 चैप्टर है। टोटल के 5 चैप्टर बराबर, ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंपोनेंट्स एंड सबस्टेशन एंड केबल्स। आ 5 चैप्टर है वाला मित्रों, के आ 5 चैप्टर अगत्यना है। हवे 5 चैप्टर है एमां जे पहेलुं चैप्टर है ट्रांसमिशन एंड लाइन कंपोनेंट्स 15 मार्कनुं है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज 5 जे पहलू चैप्टर है 15 मार्कनु चैप्टर, आ 15 मार्कना चैप्टर में विद्यार्थी मित्रों एटला बधा आईएमपी क्वेश्चन, आमांथी 2 मार्क में पूछाय, आमांथी 3 में पूछाय, आमांथी 4 में पूछाय छे अने आमांथी 7 मार्कनो क्वेश्चन पण पूछावानो संभावना है। तो विद्यार्थी विचार करो, आ पहला चैप्टर में 7 मार्कनो क्वेश्चन क्या टाइपनो पूछाय ए पण हुं तमने हमणां तमने कहेवानो छुं, 4 मार्कनो केवा टाइपना पूछाय ए पण कहीश, 3 मार्कना अने 2 मार्कना बधे तमने कहेवानो छुं। पछी परफॉर्मन्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के जे ए पण 15 मार्कनो छे। तो विद्यार्थी विचार तो करो, खाली 2 चैप्टर कवर कर नाखो तो पण तमे आ सब्जेक्ट में आरामथी पास थी जाओ, पण आपणे पास थवानुं नथी, आपणे भाई ग्रेड लावो छे, बरोबर, अने सारामां सारो ग्रेड। तो सौथी पहला परफॉर्मन्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन छे। तो परफॉर्मन्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विद्यार्थी मित्रों ए जे टॉपिक छे, बरोबर, ए चैप्टर छे एमां ए पण हूँ तमने कहेवानुं छुं कि भाई आ चैप्टर में परफॉर्मन्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन छे एमां तमने केवा टाइपना क्वेश्चन पूछाय अने एमां बहु महत्वनी इफेक्ट तमने खबर ज छे, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, आ बधी इफेक्ट छे, बरोबर, जो कोरोना इफेक्ट, बराबर, ए आ चैप्टर में है, बीजा चैप्टर में। पछी है ईएचवी ट्रांसमिशन सिस्टम, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, तो ये 10 मार्कनु चैप्टर है विद्यार्थी मित्रों। पछी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंपोनेंट जो 15 मार्कनु है, लास्ट एंड फाइनल सबस्टेशन एंड केबल, अने ए चैप्टर में 7 मार्कनो पूछाता होय छे, जे 15 मार्कनु चैप्टर है। तो वहेला मित्रों, सौथी पहला तमारे हूँ तो सजेशन करूँ छूँ कि सौथी पहला विद्यार्थी मित्रों पहलू बीजू अने त्रीजू, पहलू बीजू चौथू ने पांचमू कवर कर लो, बराबर। आ ईएचवी ट्रांसमिशन सिस्टम तमे छेले करो तो पण चाले, कारण के एटलुं तमे पहलू बीजू ने चौथू पांचमू कर नाखो तो पण तमने 15 × 4 = 60 मार्क्स तमारा कवर थी जाए, बराबर है। अने आ ईएचवी ट्रांसमिशन सिस्टम में मात्र घणा गाठा क्वेश्चन है, मात्र बहुत ओछा क्वेश्चन है, अने ए पण केवा क्वेश्चन एवा, ए पण एक एवा टॉपिक कि जे 100% पूछाय एवा, ए पण टॉपिक एटला कर नाखो એટલે તમારું क्वेश्चन आवे फसाय ज, बराबर है, ख्याल आवे छे। तो चलो सौथी पहला आपणे चैप्टर नंबर 1 जोईए कि चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या टाइपना क्वेश्चन पूछे छे, ट्रांसमिशन लाइन एंड कंपोनेंट्स। तो सौथी पहला विद्यार्थी मित्रों आ चैप्टर में केवा टाइपना क्वेश्चन पूछाय छे कि पावर सप्लाय सिस्टम में ट्रांसमिशन सिस्टमनुं स्थान। आपणे खबर छे विद्यार्थी मित्रों कि जे आखी आपणी पावर सिस्टम छे, तो आ पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन सिस्टमनुं शुं महत्व छे, शुं एनुं इम्पोर्टन्स छे, केवा टाइपनो क्वेश्चन पण ए पूछातो नथी। पूछाय शुं? सौथी पहेलो क्वेश्चन पूछाय, बरोबर, अनी पाछो केवा पूछाय, 3 मार्कनो पूछाय, का तो 2 मार्कमां पूछाय, 2 मार्कमां पूछाय कि एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, आ 2 मार्कनो क्वेश्चन। ओके, लखू हो तो तमारी बुक में लखता जजो कि भाई पूछाय कि ट्रांसमिशन सिस्टमना अंगों केटला छे, क्या क्या, तो 3 प्रकारना अंगों छे, खबर ज छे, जनरेटिंग स्टेशन, लोड सेंटर अने कनेक्टिंग लिंक, जे तमने बधाने ख्याल छे। नेक्स्ट टॉपिक पर जाइए, पछी ट्रांसमिशन सिस्टमनुं वर्गीकरण शुं छे वाला मित्रों, ट्रांसमिशन सिस्टमनुं वर्गीकरण। हवे ट्रांसमिशन सिस्टमनुं वर्गीकरण छे, आ टॉपिक विद्यार्थी 100% पूछाय अने 4 मार्कमां का 3 मार्कमां पूछी शके, 4 मार्क का तो 3 मार्क। शुं पूछे कि ट्रांसमिशन सिस्टमनुं वर्गीकरण समजावो। तो टोटल ट्रांसमिशन सिस्टमनुं वर्गीकरण 2 प्रकार छे, एक तो भाई सप्लायना आधारे अने बीजुं पावर जनरेशनना आधारे, એટલે કે પાવર ટ્રાન્સમિશન આધારે, સપ્લાયના આધારે અને બીજું પાવર ટ્રાન્સમિશનના પ્રકારના આધારે સપ્લાયના આધારે છે એટલે કે પહેલા પ્રકાર એમાં બે પ્રકારના છે, એક છે એસીડીસી લખ્યું છે અહીંયા અને બીજું છે અંડરગ્રાઉન્ડ અને ઓવરહેડ લખ્યું છે. ઇરેઝ કરી દઉં જેથી તમને દેખાય. ઓકે ચાલો. यस एसीडीसी ट्रांसमिशन सीस्टम और ओवरहेड सीस्टम और अंडरग्राउंड सीस्टम तो बे प्रकारनु अहींया तमे जोई शको छो. ट्रांसमिशन सीस्टम वर्गीकरण बे प्रकारे, एक तो आ एटले के सप्लायना आधारे अने बीजू के जे छे इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन आधारे. बराबर ख्याल जो हवे एमां आपणे जोईए सौथी पहला एग्जाम में पूछाय कि सब टॉपिक तरीके समझावू के पूछाय कि डीसी सिस्टमना फायदा पूछाय, डीसी सिस्टमना फायदा पूछाय अथवा पूछाय डीसी सिस्टमना गैरफायदा. तो आ पण टॉपिक कवर कर नाखवानो विद्यार्थी मित्रों. एवी ज रीते शुं पूछाय कि एसी सिस्टमना फायदा अने एसी सिस्टमना गैरफायदा. तो विद्यार्थी मित्रों तमारी बुक में टॉपिक न होय तो पण तमारे कवर करवो जरूरी छे. बराबर है, एक्जाम में 100% पूछी सके एसी सीस्टमना फायदा और एसी सीस्टमना गैरफायदा. पछीनो टाइपनो क्वेश्चन ए एसी ट्रांसमिशन सीस्टम और डीसी ट्रांसमिशन सीस्टम वच्चेनो तफावत. क्वेश्चन लखी नाखो तमारी बुक में कि डीसी ट्रांसमिशन सीस्टम वर्सेस एसी ट्रांसमिशन सीस्टम. बराबर आ टॉपिक है विद्यार्थी तमने सरखामणी तरीके पूछाय कि बने तमने सरखामणी पूछाय एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन. बराबर है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर जाइए. चलो पछी टॉपिक है ये अंडरग्राउंड सीस्टम और अंडरग्राउंड सीस्टम और ओवरहेड ग्राउंड सीस्टम वच्चेनो तफावत. एवी रीते मैं तमने कीधुं प्रमाणे डीसी और एसी वच्चेनो ट्रांसमिशन सीस्टम वच्चेनो तफावत. एटले बेमांथी 100% विद्यार्थी मित्रों आ कां तो आ पूछाय कां तो आ पूछाशे. बेमांथी एक तमारा जीटीयूना पेपरमां हशे. नेक्स्ट टॉपिक उपर जईए विद्यार्थी मित्रों. ए छे सिस्टम वोल्टेज अने पावर फेक्टरनी असर. सिस्टम वोल्टेज और पावर फैक्टरनी असर. हवे आ क्वेश्चन शू कहवा माँगे? क्वेश्चन एवं कहवा माँगे छे कि भाई जय तमारो जय सिस्टम वोल्टेज पावर सीस्टम है, पावर सीस्टम में तमारे वोल्टेज में फेरफार करवाथी अथवा पावर फैक्टर में फेरफार करवाथी कई असर जोवा मळे छे, केवा प्रकार की असर, केवा प्रकार की इफेक्ट थाय छे. तो सौथी पहला विद्यार्थीनो सिस्टम वोल्टेजनी वधारानी हद, सिस्टम वोल्टेज वधारानी हद में फेरफार थाय छे. पछी ट्रांसमिशन माटे इकोनॉमिकल वोल्टेजनी असर केवी रीते करी शकूं? तो सौथी पहला आपणे समझीए कि सिस्टम वोल्टेज है तो सिस्टम वोल्टेजनी असर केवी रीते थाय, सिस्टम वोल्टेजनी केवी असर थाय. तो आपने मैं तमने कीधुं ए प्रमाणे कंडक्टरना कद पर असर थाय, ट्रांसमिशननी एफिशिएंसी पर असर थाय अने सिस्टम वोल्टेजना लाइन ड्रो पर असर थाय छे. तो आ जे छे लिमिट ऑफ इंक्रीजिंग सिस्टम वोल्टेज ए टाइपनो क्वेश्चन तमने 2 मार्क में पूछी सके छे. खाली एटलुं ज पूछाय कि सिस्टम वोल्टेज वधारानी थी शू थाय, केवी इफेक्ट थाय एटलुं पूछाय छे. पछी इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेजनी पसंदगी आज विद्यार्थी में 100% पूछाय 3 मार्क में का तो 4 में पूछाय कि शू क्वेश्चन केव पूछाय? क्वेश्चन एवं पूछाय कि ट्रांसमिशन माटेना इकोनॉमिकल वोल्टेजनी पसंदगीनुं सूत्र आपी समझाओ. बराबर जे तमने सूत्र खबर हशे V = 5.5 √ 0.62L 0.62L +3P /150 आउं छे ने. बराबर आज फॉर्म्यूला तमारे लखी तमारे समझाई देवानुं कि ट्रांसमिशन वोल्टेज में इकोनॉमिक वोल्टेजनी पसंदगी करवी पड़े. चलो डन. पछी छे विविध सिस्टम माटे जोईता वाहकना मटेरियलनी कदनी तुलना. एटले शू कि भाई आपने खबर है कि अलग अलग सिस्टम वोल्टेज है ए प्रमाणे अलग अलग वाहकना मटेरियल होय. आपने खबर है कि अलग अलग विविध अलग अलग प्रकार की अलग अलग सिस्टम वोल्टेज है. आपने खबर जनरेशन माटेनी अलग होय, पछी ट्रांसमिशन माटेनी अलग होय, डिस्ट्रीब्यूशन माटेनी अलग होय. तो एमां आपणे जे वाहकनुं मटेरियल है शू है वाहकनुं मटेरियल एग्जाम में आ पूछाय छे विद्यार्थी मित्रों कि विविध सिस्टम में जरूरी वाहकना मटेरियल्सना कदनी समीक्षा करो. समीक्षा એટલે શું કે તમને એક્ઝામ પૂછાય કે વાહકનું મટીરિયલ કેવા ટાઈપનું હોવું જોઈએ, 4 માર્કમાં પૂછાય. બરોબર છે, તો અહીં તમે અલગ અલગ વાહકમાં કયા પ્રકારના મટીરિયલ આપણે ખબર છે કે ભાઈ કેવા પ્રકારના મટીરિયલ હોય આપણે ખબર છે કે ભાઈ એલ્યુમિનિયમ હોઈ શકે, SCSR કંડક્ટર હોય, बराबर है, बंडल कंडक्टर होय, केडनियम कॉपर होय. तो आ તમને 4 માં પૂછાય કે કેવા વાહકના મટીરિયલના કદની સમીક્ષા કરવાની હોય છે. नेक्स्ट ऊपर जाइए कि ओवरहेड माटेना वाहको, ओवरहेड लाइन माटेना वाहको केवा होवा जोईए, ओवरहेड लाइन माटेना वाहको केवा टाइपना होवा जोईए. हवे आपने खबर छे कि ओवरहेड लाइन वाहक छे ए वाहकना प्रकार टोटल केटला छे? आम जोईए तो टोटल 4 प्रकारना वाहको छे. केटला भाई? टोटल 4 प्रकारना वाहको छे. ओवरहेड माटेना वाहको टोटल 4 प्रकारना छे. बराबर है, क्या प्रकारना है अहीं लिखा है. बराबर है, क्या प्रकारना है? घनवाहक, पोलुवाहक, स्टैंडर्ड वाहक और बंडल कंडक्टर. बराबर, हवे एमां तमने पूछाय कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो वाहको है ए वाहको एटले के कंडक्टरना लक्षणों केवा होवा जोईए, एटले के कैरेक्टरिस्टिक केवी होवी राखवी जोईए. तो आ विद्यार्थी 3 के 4 में पूछी सके छे कि केवा प्रकारनी कैरेक्टरिस्टिक राखवी जोईए. पछी वाहकोना मटेरियल मैं तमने हमणां कीधुं प्रमाणे वाहकोनुं मटेरियल केवुं होवुं जोईए. જે તમને ખબર છે કે વાહકનું મટિરિયલ એ કેવું પ્રકારનું હોવું જોઈએ, વધારે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થવાળું હોવું જોઈએ, વધારે વાહકતાવાળું હોવું જોઈએ, ઓછો રેઝિસ્ટન્સવાળું હોવું જોઈએ, પછી લો સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી હોવી જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બે માર્કમાં પૂછી શકે. બે માં પૂછાય કે વાહકોના મટિરિયલ્સની ગુણધર્મો આપો અથવા વાહકોના મટિરિયલ્સની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે કે એના ગુણધર્મો સમજાવો અથવા લખો, બે વાંકા પૂછાય. પછી મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે ભાઈ સોલિડ કંડક્ટર, સ્ટેન્ડર્ડ કંડક્ટર અને બંડલ કંડક્ટર, બરાબર, આ ત્રણે ત્રણ કંડક્ટર વિશેની આકૃતિ દોરી સમજાવવાનું તમને પૂછે તો તમને ખબર છે આકૃતિ દોરી તમને સમજાવવાનું કે તમને આવડી જ જાય. કેમ કે આ વચ્ચેનું કંડક્ટર આવી રીતે હોય, સ્ટેન્ડર્ડ કંડક્ટર આવી રીતે સ્ટેન્ડર્ડ કંડક્ટર હોય છે જે તમને ખબર છે, બરાબર, એસસીએસઆર કંડક્ટર કે જેને એજ કહીએ. चलो आ ख्याल आई गए. नेक्स्ट टॉपिक पर जाइए. हवे जो ओवरहेड लाइन ना अलग अलग सपोर्ट, ओवरहेड लाइन ना अलग अलग सपोर्ट्स. हवे सपोर्ट में शू, हवे सपोर्ट आ क्वेश्चन पूछाय कि लाइन सपोर्ट ना जरूरी गुणधर्मों समझाओ. आपने खबर लाइन सपोर्ट है, लाइन सपोर्ट ना केवा केवा प्रकार होवो जोईए, लाइन सपोर्ट ना गुणधर्मों केवा प्रकार होवो जोईए, बराबर. तो ये आपने पूछाय लाइन सपोर्ट ना अलग अलग प्रकार है, बराबर, जो तमने खबर है. लाइन सपोर्ट केटला प्रकार, वुडन पोल होय, आरसीसी पोल होय, स्टील पोल होय, स्टील टावर होय, बराबर, अलग अलग प्रकारना शुं छे ए छे लाइन सपोर्टना अलग अलग प्रकार है. पछी लाइन सपोर्टनी तुलना, लाइन सपोर्ट तुलना एटले केवा, आपने खबर लाइन सपोर्ट बे प्रकारना लाइन सपोर्ट है. लाइन सपोर्ट बे प्रकार आम जो तो महत्वना, एक सींगल सर्किट गोठवनी होय छे अने एक डबल सर्किट गोठवनी होय छे, बराबर. ए बे रीते आपणे एने कम्पेरिजन करी शकता होय छे. पण सौथी अगत्यनो क्वेश्चन आ बनी शके छे 1.9.1, तो एना पर थोडुं वधारे फोकस करजो. नेक्स्ट टॉपिक जे विद्युत इन्स्युलेटर, बराबर. चलो इन्स्युलेटर पर जाइए. इन्स्युलेटर टॉपिक बहुत मोस्ट एम्पी है, 3 मार्क के 4 मार्क 100% पूछाय और 7 मार्क में पूछायो क्वेश्चन है. सौथी पहलो विद्यार्थी है इन्स्युलेटरना इच्छनीय गुणधर्मो. दर वखते 2022 में पूछायेलो है क्वेश्चन, 2021 में पूछेलो क्वेश्चन, 2017 में पूछेलो क्वेश्चन. तो केटली वखत एक्जाम में चूंटणी में पूछायेलो है, तो आ क्वेश्चन तमारे कवर करीने जावो ज जोईए. ए है इन्स्युलेटरना इच्छनीय गुणधर्मो एटले के डिजायरेबल प्रोपर्टीज ऑफ इन्स्युलेटर, बराबर. तो भाई इन्स्युलेटर की लाक्षणिकता शू है, सौथी पहला क्वेश्चन 3 के 4 में पूछाय. पीछे इन्स्युलेटर माटे वपराता पदार्थों नाम आपी, 2 मार्क में पूछेलो है 2022 पेपर में. इन्स्युलेटर माटे वपराता पदार्थों नाम जो तमने खबर है, इन्स्युलेटर में क्या पदार्थों यूज थाय आपने खबर है, पोर्सेलिन यूज थाय, बराबर है, यूज थाय पोर्सेलिन यूज थाय, पछी ग्लास यूज थाय, सिंथेटिक रेजिन यूज थाय अने स्टीएटाइट पण यूज थाय छे. बड़ी आ 4 प्रकारना इन्स्युलेटर में वपराता पदार्थों है. पछी इन्स्युलेटरना प्रकार, बराबर, इन्स्युलेटरना प्रकार केटला छे जे तमने खबर छे. इन्स्युलेटरना प्रकार क्या क्या है खबर है ने, क्या है, पीन इन्स्युलेटर, बराबर, पीन इन्स्युलेटर, पछी सस्पेन्शन इन्स्युलेटर, पीन इन्स्युलेटर, सस्पेन्शन इन्स्युलेटर, पछी स्ट्रेन इन्स्युलेटर, पछी शेकल इन्स्युलेटर, पछी स्टे इन्स्युलेटर. तो आ प्रकार विधि 5 प्रकारना अलग अलग प्रकार इन्स्युलेटरना प्रकार है जे तमारा सिलेबस में आम तो 4 प्रकारना मेन है, पीन, सस्पेन्शन, स्ट्रेन अने शेकल. देन चलो नेक्स्ट टॉपिक पर जाइए. हवे आपणे जोईए इन्स्युलेटरनो फेलियर. हवे एमां एक्जाममां पूछेलो क्वेश्चन है, एक वखत पूछेलो, आम तो बे वखत पूछेलो है. क्या पूछे छे? पीन. तो क्वेश्चन केवो पूछाणो कि पीन इन्स्युलेटर है, पीन इन्स्युलेटरनी आकृति दोरी समझाओ. आकृति दौरी, पीन इन्स्युलेटरनी आकृति दौरी तमने एक्जाम में पूछी सके, बराबर, अने पीन इन्स्युलेटरना उपयोगो लखो. तो विद्यार्थी ए एक टाइपनो करीने जजो क्वेश्चन, बराबर, पीन टाइपना इन्स्युलेटर विषय थोड़ी माहिती अने याद करीने जजो जेथी वांधो आवे नहीं. पछी नेक्स्ट टॉपिक उपर जे ए छे बीजा न करो तो पण तमने चाली सके, पण तमने एक एवं पूछी सके कि हमणा तमने क्वेश्चन आवशे, बराबर, कयो क्वेश्चन पूछे, यस पीन इन्स्युलेटर अने सस्पेन्शन इन्स्युलेटर वच्चेना सरखामणी. तो आ सरखामणी विद्यार्थी मित्रो करी लेजो. आखुं आकृति दौरी न समजावू होय तो आ तो तमे करी नाखजो. अने एवी ज रीते पूछाय कि अलग अलग प्रकारना इन्स्युलेटर छे एना उपयोगो क्या क्या, जे पीन इन्स्युलेटर छे, पछी सस्पेन्शन इन्स्युलेटर छे, पछी स्ट्रेन इन्स्युलेटर छे अने शेकल इन्स्युलेटर छे, आ बधाना उपयोगो समझाओ. उपयोगो लखो. तो 3 मार्क में पूछी सके तो 4 मार्क में पूछी सके छे, बराबर. ए आ टॉपिक में नहीं पण आ तमारे जाणवुं जरूरी छे एटले मैं तमने कीधुं कि तमारी बुक साथे राखजो એટલે તમે લખી શકો. देन કે તમને પૂછાય ઇન્સ્યુલેટરના પ્રકાર અને તેનો ઉપયોગ. પછી 4 માર્કમાં 100% પૂછાયો ક્વેશ્ચન ઇન્સ્યુલેટરનું ફેલ્યુર. ભાઈ ઇન્સ્યુલેટર ફેલ શું કામ થાય છે? 4 માર્કમાં પૂછાય, બરાબર, ઇન્સ્યુલેટર છે એ શું કામ ફેલ થાય છે. પછી સેફ્ટી ફેક્ટર 2 માર્કમાં ડેફિનેશન પૂછાય કે ઇન્સ્યુલેટરના સેફ્ટી ફેક્ટર કોને કહેવાય, સેફ્ટી ફેક્ટરની ડેફિનેશન આપો, બરાબર છે, સેફ્ટી ફેક્ટર કોની ડેફિનેશન સમજાવો, તેવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર જઈએ એ છે સ્ટ્રિંગ ઇફિશિયન્સી. 100% પૂછાય, 100%, બરાબર. સ્ટ્રિંગ ઇફિશિયન્સી કોને કહેવાય, બરાબર, સૌથી પહેલાં પૂછાય સ્ટ્રિંગ ઇફિશિયન્સી કોને કહેવાય, 2 માર્ક. પછી પૂછાય એ સ્ટ્રિંગ ઇફિશિયન્સી વધારવાની રીતોના નામ આપી કોઈ પણ એક સમજાવો, બરાબર. સ્ટ્રિંગ ઇફિશિયન્સી છે એના ટોટલ 4 માં પૂછાય, बराबर कां तो 3 में पूछाय। दर वखते जीटीयू में पूछेलो क्वेश्चन स्ट्रिंग इफिशियंसी वधारવાની રીતોના નામ આપી કોઈપણ એક સમજાવો, જે તમને ખબર જ છે 3 રીતે વધારી શકાય। એક તો લોંગ ક્રોસ આર્મનો ઉપયોગ કરીને, ઇન્સ્યુલેટરનું ગ્રેડિંગ કરીને અને ગાર્ડ રિંગનો ઉપયોગ કરી આપણે ઇન્સ્યુલેટ સ્ટ્રિંગ ઇફિશિયન્સી વધારી શકાય છે, બરાબર, જે તમને ખબર છે। પછી આ જે ટાઈપના આ ચેપ્ટરમાંથી 2022માં, 2021માં અને 2017 के 18 में आई थिंक बराबर क्वेश्चन पूछेलो है आ चैप्टर में। तो केवा टाइपना क्वेश्चन पूछेलो है बराबर, जो तमने इच्छा हो तो मैंने कहो, कमेंट बॉक्स में कहो। तो आ चैप्टर आपणे जे टाइपना जीटीयू में पूछेला क्वेश्चन है, ये जीटीयू टाइपना क्वेश्चन ए तमने हूँ कवर कराई दईश, बराबर। जेटली मैंने कमेंट वधारे आवशे, बराबर है, तो एना आधारे हूँ तमने कमेंट में कही दईश अने हूँ तमने नेक्स्ट लेक्चर में तमने प्रोवाइड करी आपीश, बराबर है। चलो पछी छे सेगनी गणतरी। हवे सेग केवी रीते, सेग छे ई सेग केवी रीते मारे कनेक्ट करो, सेग है ये मारे केवी रीते केल्क्युलेट करो। तो सौथी पहला तो ये खबर होवी जोईए कि सेग कोने कहेवाय, बराबर। सेग है ये सेग कोने कहेवाय, तो आ सेग कोने कहेवाय 2 में पूछाय। तो सेग ने असर करता परिबळो 2 કે 3 में पूछाय। पछी आ कई करवा करवानी, आ नथी करवा करवानुं, एना उदाहरणो पण कवर करवाना नथी, तो एटलुं पूछाय सेग अने सेग ने असर करता परिबळो, बस, बीजुं कंई कवर करवानी जरूर नथी, बराबर। के कवर करशो पण एटलुं पूछातुं नथी, स्कीप पण तमे करी शको छो आरामथी, बराबर। हूँ जे तमने कहूं छुं एना पर वधारे फोकस करजो। पछी छे विद्यार्थियों ए छे, चलो पछी लाइन वाहकोना स्पेसिंग। शुं छे लाइन वाहकोना स्पेसिंग? तो लाइन वाहकोना स्पेसिंग है, लाइन वाहकोना स्पेसिंग ए पण हजी सुधी कोई जीटीयू में पूछेला नथी, पण आपणे विद्यार्थी लाइन वाहकोना स्पेसिंग है, स्पेसिंग में तमारे केवा टाइपना क्वेश्चन पूछाय? ओके, जो एमां केवुं छे कि वाहको वच्चेनुं अंतर, केटलुं राखवुं जोईए, एवा टाइपना टू ध टॉपिक पूछाय, पण ए टाइपना क्वेश्चन पूछाता नहीं। वाइब्रेशन और वाइब्रेशन डेम्पर शू है ये टाइपना पूछाता नहीं। पर एक विद्यार्थी मित्रों, बराबर, शू है गेलोपिंग अथवा डांसिंग कंडक्टर प्रकार वाइब्रेशन कोनी कहवाय, बराबर, एक टाइपना बे में पूछो हो तो पूछी सके। शू पूछे? आओ पूछे विद्यार्थी मित्रों के ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, लखी दू छूँ, तमारे बुक में लखव हो तो लखी सको छो। आव पूछाय कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, बे प्रकारना वाइब्रेशन जोवा मळे छे, समझाओ, बराबर। अथवा एम पूछाय कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में केटला प्रकारना वाइब्रेशन जोवा मळे छे, नाम आपी समझाओ। तो 2 प्रकारना जोवा मळे छे वाइब्रेशन, एक तो इवोलिन वाइब्रेशन और बीजो है गेलोपिंग वाइब्रेशन, बराबर है। तो आ एक टॉपिक कवर करी लीजो, बराबर। चलो तो ये आपणे क्या टॉपिक में आव्यो? ये लाइन वाहकोना स्पेसिंग में टॉपिक में आवे छे। चलो डन। चलो अहींया आपणे फर्स्ट चैप्टर आपणे कम्प्लीट कर्युं। विद्यार्थी जे टाइपना क्वेश्चन हता बधा टाइपना मैं कवर करी लीधा, बराबर छे। एटला आ जे चैप्टर छे 15 मार्कनुं छे, 15 मार्कना एटला क्वेश्चन छे मोस्ट एमपी छे। चलो हवे विद्यार्थी बीजा चैप्टरनी वात करीए, ए छे ट्रांसमिशन लाइननुं परफॉर्मन्स। हवे ट्रांसमिशन लाइन में परफॉर्मन्स माटे अलग अलग जे इफेक्ट आवे छे, शुं छे? अलग अलग प्रकारनी इफेक्ट। सौथी पहला इफेक्ट समझवानी छे, बराबर। एनी पहला विद्यार्थी मित्रो समजीए कि ट्रांसमिशन लाइनना अलग अलग पेरामीटर छे। शुं छे? ट्रांसमिशन सिस्टमना अलग अलग पेरामीटर। हवे आ पेरामीटर क्या क्या छे तमने खबर ज छे। एमां ई पेरामीटर में कोनो कोनो समावेश थाय? तो सौथी पहला पेरामीटर में रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स अने केपेसिटन्स, आ अगत्यना मेन 3 अगत्यना पेरामीटर है, बराबर। एक्जाम पूछाय 2 मार्क में पूछेलो क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइनना पेरामीटर नाम आपी समझाओ। तो 2-3 प्रकारना है, रेजिस्टन्स, इंडक्ट अने केपेसिटन्स, बराबर है। पछी विद्यार्थी मित्रों है ए छे लाइन पेरामीटरनी असरो, कि भाई वोल्टेज रेग्युलेशन, ट्रांसमिशन लाइन इफिशियंसी अने पावर फेक्टर। कि भाई ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज वधारो घटाडो करवाथी एमां शुं फेरफार थाय छे? तो विद्यार्थी ए असर क्या प्रकारनी छे? 3 प्रकारनी असर जोवा मळे छे। पहेला 3 प्रकारनी असर, एक तो वोल्टेज रेग्युलेशन, पछी ट्रांसमिशन लाइन इफिशियंसी अने पावर फेक्टर, बराबर है। ये एटलुं बधुं इम्पोर्टंट नथी, पण आ टाइपनो क्वेश्चन करी लीजो, 2 में पूछाय, अने आ जे क्वेश्चन होय आ पण 2 मार्कमां क्वेश्चन पूछायलो छे। पछी छे लाइन पेरामीटरनुं रिप्रेजेन्टेशन। तो ये लाइन पेरामीटर रिप्रेजेन्टेशन है, तो ये कई कवर करो? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ए टाइपनी होय छे, पण आपणे कवर करवानी जरूर नथी। पछी छे महत्वनी एवी 4 असर, લખું અહીંયા લખી લો, જીટીયુ માં તમારા પેપરમાં આવશે અને આવશે જ, બરાબર છે। 4 પ્રકારની અસર છે। સૌથી પહેલી છે સ્કિન અસર, પૂછાશે પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ, ફેરન્ટી ઇફેક્ટ ને કોરોના ઇફેક્ટ, બરાબર। અત્યારે કોરોના વાયરસ છે ને, બરાબર, એ આપણા ઇલેક્ટ્રિકલમાં વર્ષો પહેલાં આવી ગયો, બરાબર। તો 4 પ્રકારની અસર છે, સ્કિન ઇફેક્ટ, પ્રોક્સિમિટી ઇફેક્ટ, ફેરન્ટી ઇફેક્ટ ને કોરોના ઇફેક્ટ। તો 4 પ્રકારની ઇફેક્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો કવર કરી લેજો જ। न खबर पड़ती हो 4 इफेक्ट में, न खबर पड़ती हो तो कमेंट बॉक्स में मैंने कहो, तो नानो आम तो तमने एक शॉर्ट विडियो बनावीने आपी दईश, जेथी तमने ख्याल आवी जाए 4 इफेक्ट विषे। डन। चलो पछी जे ट्रांसमिशन लाइननुं वर्गीकरण, जे तमने खबर है कि ट्रांसमिशन लाइननुं वर्गीकरण केटला प्रकारने थाय छे? ट्रांसमिशन लाइन वर्गीकरण महत्वपूर्ण रीते त्रण रीते थाय छे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन अने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन तो आ एक्जाम में 100% पूछाय 3 मार्क में बराबर छे। पछी लाइन नु परफॉर्मन्स बराबर शॉर्ट लाइन नु परफॉर्मन्स अलग अलग रीते पूछे छे तो ए विद्यार्थी मित्रों आ छे शॉर्ट लाइन ना परफॉर्मन्स माटे ए 7 मार्क में क्वेश्चन पूछाय छे केला 7 मार्क में पूछी सके छे का तो 4 मार्क में पूछाय का तो 7 मार्क में पूछाय अने 7 मार्क में पूछायेलो क्वेश्चन पण छे। हवे 7 मार्क में क्वेश्चन केवो पूछायेलो छे जो तमे लखो होय तो तमे लखी सको छो केवा टाइपना क्वेश्चन पूछायेलो छे। आवा क्वेश्चन पूछायेलो छे के एक छेडेथी सप्लाय देता डिस्ट्रीब्यूटरना सेंडिंग छेडाना वोल्टेज तथा पावर फेक्टरनी गणतरी माटेनुं सूत्र मेळवो अने लोडनो पावर फेक्टर रिसीविंग वोल्टेज पर रिफर करेल छे। आवा टाइपनो क्वेश्चन पूछेलो छे खबर पड़ी बरोबर छे। तो ए टाइपनो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में पूछाय। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में विद्यार्थी मित्रों ए मीडियम ट्रांसमिशन बे प्रकारना इफेक्ट में जोवा मळे छे एक है पाई इफेक्ट एटले के पाई पेरामीटर और बीजो है टी बराबर तो एमां पाई अने टी ना पूछाय छे पण जो समय होय तो पाई अने टी पर वधारे फोकस करो। जो समय नथी तमारी पासे समय नथी बराबर तो कंई कवर करवानी जरूर नथी बराबर खोटे खोटो आपणे कोई कर्युं न होय। नोमिनल टी पद्धति अने नोमिनल पाई पद्धति छे अने एन कंडेंसेशन मेथड पण छे पण जो तमने याद रहेतुं होय तो तमे नोमिनल टी अने नोमिनल पाई करी शको छो पण मारुं तो एवुं कहे शॉर्ट लाइन परफॉर्मन्स कवर करीने जवुं जोईए बराबर। पछी नेक्स्ट टॉपिक पर जाइए ये है लोड डिस्पेच सेंटर मोस्ट एमपी और आ चैप्टरना सौथी अगत्यनो क्वेश्चन क्यों है लोड डिस्पेच सेंटर। सौथी पहला आपने एज खबर नहीं कि लोड डिस्पेच सेंटर कोने कहवाय वाला मित्रों सौथी पहला आनी डेफिनेशन खबर होवी जोईए शुं छे लोड डिस्पेच सेंटर कोने कहवाय। चलो सौथी पहला लोड डिस्पेच सेंटर की व्याख्या पूछाई है 2022 नुं पेपर जोई लो 2020 नुं पेपर जोई लो 2019 नुं पेपर जोई लो लोड डिस्पेच सेंटर एटले शुं बराबर। पछी पूछाय कि लोड डिस्पेच सेंटरनो ब्लॉक डायग्राम दौरी समझाओ जे टाइपना क्वेश्चन बोलतो जाऊँ छूँ बधा टाइपना क्वेश्चन पूछायेला है खबर पड़ी। लोड डिस्पेच सेंटर कोने कहेवाय एनी व्याख्या आपो अथवा पूछे लोड डिस्पेच सेंटरनो ब्लॉक डायग्राम दौरी समझाओ। पछी लोड डिस्पेच सेंटरना हेतुओ अथवा एना फंक्शन अथवा एना तमे कार्यो कही सको बराबर छे अने पूछायेलो छे 4 मार्क में पेपर जोई लो एम तारे बराबर लोड डिस्पेच सेंटरना कार्यो आ तो अने पूछायेला है। पछी पूछायेला है विद्यार्थी मित्रों ए छे लोड डिस्पेच सेंटरना जरूरी साधनों अने लोड डिस्पेच सेंटरनी टेक्निक तो एनो मतलब आपणी माटे सौथी अगत्यनो लोड डिस्पेच सेंटरनो अगत्यनो सौथी अगत्यनो पॉइंट तो आ एक टॉपिक कवर कर नाखो एटले एनो मतलब एवो थयो के 7 मार्क अथवा 8 मार्क तमारा कवर थई शके एक ज टॉपिक मांथी विचार तो करो अने आगळना टॉपिक तो बाकी खबर पड़ी। तो आ चेप्टर मांथी आ टॉपिक सौथी अगत्यनो बनी गई तो नानो अमथो क्वेश्चन बहु सहेलो लोड डिस्पेच सेंटर बराबर है। चलो पछी अहीं तमारुं आ चेप्टर पूरुं थाय छे। पछी नेक्स्ट चेप्टर ए छे ईएचवी ट्रांसमिशन सीस्टम के जेने एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कहेता होय छे। चलो हवे आ टॉपिक मांथी केवा टाइपना क्वेश्चन पूछाय ईएचवी ट्रांसमिशन सीस्टम है तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन आम जोईए तो बे प्रकारनी होय छे बराबर एक मां छे एचवीडीसी अने एक छे एचवीएसी। तो एचवीडीसी केवी रीते यूज थाय एचवीएसी ना फायदा शुं छे आ बधुं आपणे आ चेप्टर में भणवाना छीए। तो सौथी पहेला एक्जाम में विद्यार्थी पूछायेलो क्वेश्चन कि ईएचवी ट्रांसमिशननी जरूरियात अने तेना फायदाओ लखो। एक्जाम में 2 मां एवुं पण पूछायेलुं छे कि ईएचवी ट्रांसमिशननी जरूरियात जणावो अने एवुं पण पूछायेलो 3 मार्क में कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशननी ना फायदाओ लखो खबर पड़ी। अलग अलग रीते एक ज टॉपिक मांथी 2 क्वेश्चन पूछायेला छे। पछी ईएचवी ट्रांसमिशननी मुश्केलीओ कई कई छे ईएचवी ट्रांसमिशन आपणे करता होय हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन आपणे करता होय तो एनी अलग अलग प्रकारनी मुश्केली कई। तो विद्यार्थी मित्रों मुश्केली छे ए मुश्केली एम तो छे नहीं अथवा तमे गैरफायदो पण लखी शको अथवा एनी मर्यादा पण तमे कही शको बराबर। तो ए तमे मर्यादा कहो कि प्रॉब्लम कहो बधुं आपणे आमां तमे लखी शको छो पण एटलो बधुं इम्पोर्टंट नथी पण आ टॉपिक छे ए अगत्यनो सॉरी ए टॉपिक छे सौथी अगत्यनो छे। पछी ईएचवी एसी ट्रांसमिशन फायदा अने अपनावाना कारणों कि भाई ईएचवी एसी ट्रांसमिशन फायदा क्या क्या है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हूँ हाई वोल्टेजे हूँ ट्रांसमिट वोल्टेज करूँ तो मैंने क्या क्या प्रकारना फायदा थे मोस्ट एमपी क्वेश्चन विद्यार्थी मित्रों एक्जाम में 100% पूछाय बराबर। अने एवी रीते शुं काम एना अपनावुं एना कारणों क्या क्या है बराबर तो ए पण तमने टॉपिक में पूछी सके। सौथी वधारे वधारे शुं पूछाय फायदा पूछाय बराबर। पछी विद्यार्थीओ कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ना गैरफायदा का तो फायदा पूछाय का तो गैरफायदा पूछाय बराबर है। पछी हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन। हवे पहला एचवीएसी નું જોયું, હવે આપણે જોઈએ एचवीडीसी। સૌથી પહેલા एचवीडीसी ના ફાયદા, એના ગેરફાયદા, પછી एचवीडीसी સિસ્ટમના અલગ અલગ પ્રકાર છે। શું છે एचवीडीसी સિસ્ટમના અલગ અલગ પ્રકાર? એની પહેલા હું તમારી બુકમાં લખી નાખો અથવા ટીક કરી નાખો, તમને તફાવત સ્વરૂપે પૂછાય। તફાવત આપો, તફાવત આપો एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन और एचवीएसी ट्रांसमिशन। आवो तफावत विद्यार्थी मित्रों पूछी सके छे अने एक वखत जीटीयू में पूछायेलो पण छे। बराबर पूछायेलो होय तो आपणे कवर करीने जवो जोईए, कारण के हजी तमारी पासे घणो समय छे तो कवर करी लेजो। बराबर पछी हवे जे तमने कहेवा छुं ए छे एचवीडीसी सिस्टमना प्रकारो। तो तमने खबर छे केटला प्रकार? 5 प्रकारना एचवीडीसी सिस्टमना प्रकार छे। एक छे मोनोपोलर, पछी बायोपोलर, होमोपोलर, बेक टू बेक अने मल्टी टर्मिनल। तो 5 प्रकारना एचवीडीसी सिस्टमना प्रकार छे। बराबर है, ख्याल आ गयो। तो 5 सिस्टम में तमने कोईपण बे लखवाना समझावाना पूछे और 5 पूछे तो 4 मार्क में खाली ए आकृति दौरी मात्र लखवानुं होय छे, वधारे कंई समझावनुं होतुं नथी। बराबर पछी छे, पछी अलग अलग प्रकारना आपणे आज लीधुं एचवीडी सिस्टम प्रकार। पीछे 12 पल्स कन्वर्टर बीज नहीं पूछातु, जावा देजो। टिपिकल बायपोलर सिस्टम जावा देजो। पीछे एचवीडीसी सिस्टम में अलग अलग प्रकार के साधनों है। आ 2 मार्क में पूछेला क्वेश्चन है और एक वक्त 4 मार्क में पूछेलो है कि एचवीडीसी सिस्टम साधनों नाम लखी कोईपण 2 विषय माहिती आपो। तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में वपरता साधनों एटले के एना अलग अलग प्रकारना डिवाइस क्या क्या है ये तमने खबर ज है। स्मूथिंग रिएक्टर होय, कन्वर्टर होय, हार्मोनिक फिल्टर होय, सबस्टेशन होय, पछी कन्वर्टर यूनिट होय, अर्थ इलेक्ट्रोड होय। तो आ बधा विद्यार्थीओ ए शुं छे? ए छे एचवीडीसी सिस्टमना साधनों। पछी एचवीडीसी सिस्टमना उपयोगो शुं? एचवीडीसी सिस्टमना उपयोगो शुं? तो 3 मार्कमां पूछाय कां तो 2 मार्कमां पूछी शके छे अने पूछेलो पण छे एचवीडीसी सिस्टमना उपयोगो। बरोबर पछी हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज एसी सिस्टम और हाई वोल्टेज डीसी सिस्टमनी सरखामणी जे मैं तमने हमणे आगळ कीधो तो ए जेनी वात करी छे। पछी यस विंड पावर और सोलर पावरनी ट्रांसमिशन सिस्टम पर असर। बराबर ए टॉपिक है, ए टॉपिक न कवर करो तो पण तमने स्कीप कर सको छो। पुनः प्राप्य ऊर्जा की ट्रांसमिशन सिस्टम पर असर न कवर करो तो पण चाले, विद्यार्थी तमे स्कीप कर सको छो। बराबर पछी डायरेक्ट आपणो सौथी अगत्यनो टॉपिक है ए छे फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। आ तमारे कवर करीने जवानो छे। एने कहेवाय फैक्ट। शुं कहेवाय? फैक्ट। तो सौथी पहलो क्वेश्चन के फैक्टनी जरूरियात शुं पड़ी कि भाई फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टमनी जरूरियात शा माटे पड़ी? तो आ बेठो क्वेश्चन पूछाय 2 मार्क में। बराबर पछी पूछाय कि फैक्ट कंट्रोल डिवाइसना उपयोगथी सिस्टम पावर परनुं नियंत्रण केवी रीते थाय छे? डायग्राम दौरी समजावो। बराबर डायग्राम दौरी समझाओ। पछी पूछाय फैक्ट कंट्रोलना प्रकारों केटला छे? जे तमने खबर छे 4 प्रकार है। एक है सीरीज प्रकारनुं फैक्ट कंट्रोलर, शंट प्रकारनुं छे, सीरीज प्रकारनुं अने सीरीज शंट प्रकारनुं फैक्ट कंट्रोलर। डन। पछी फैक्ट पूछाय फैक्टना फायदा। शुं पूछाय? फैक्टना फायदा है जे तमने खबर छे आपणे इजीली पावर कंट्रोल करी सकीए छीए, ऑसिलेशन में घटाडो करी सकीए छीए, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में वधारो करी सकीए छीए, विश्वसनीयतामां वधारो करी सकीए। आ बधा ए फैक्टना फायदाओ छे। बराबर है। तो तमने आ फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है आपणे जोयुं एचवीएसी एना फायदा गैरफायदा कर नाखवाना, पछी एचवीडीसी एना फायदा गैरफायदा कर नाखवाना, आ बे वच्चेनो तफावत कर लेवानो। पछी करवानुं विद्युत फैक्ट फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम आना फायदा गैरफायदा कर नाखवाना। आम तो गैरफायदा है ज नहीं, मात्र फायदा ज छे। तो फायदा कवर कर नाखवाना अने केटला केटली प्रकारी फैक्टना प्रकारों छे ए बधा कवर करी लेजो। एटले आ आपणुं 3जुं चेप्टर कम्प्लीट थई गयुं। हवे आपणे चेप्टर नंबर 4 के जे छे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमना कम्पोनट्स। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमना कम्पोनट्स। हवे आ चैप्टर में विद्यार्थी आ चैप्टर में एक ज टाइपनो एक वक्त न्यूमेरिकल पूछाणो तो ए लगभग आई थिंक 2018 में के 2019 में पूछायेलो क्वेश्चन हतो। बरोबर ए 4 मार्क में पूछेलो तो न्यूमेरिकल, बाकी पछी 20, 21, 22 छेल्ला 3 वर्षथी एटले के 6 पेपर में एकेय वखत आ चैप्टर में दाखलो पूछाणो नथी। एटले एवुं मानी सकी के बहु पूछावाना चांसेस बहु ओछा छे। बरोबर है। तो आमा केवा टाइपनी थीअरी पूछाय? तो सौथी पहली थीअरी है आ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमना कम्पोनट्स में पहली थीअरी विद्यार्थी केवी पूछाय कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमनुं वर्गीकरण। बरोबर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमनुं वर्गीकरण। तो आ पूछाय कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमनुं वर्गीकरण के समझाओ। तो करंट नेचरना आधारे, बंधनना आधारे, जोड़ाणनी रीतना आधारे, टोटल 3 रीते आपणे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमनुं वर्गीकरण करी शकीए छीए। पछी नेक्स्ट टॉपिक उपर जे जे डेफिनेशन पूछाय डेफिनेशन पूछाय एनी पहला विद्यार्थी आ तफावत कर लेजो एक बार प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आ बने आपणे તફાવત સ્વરૂપે પૂછી શકે છે। પછી ત્રણ ડેફિનેશન મહત્વની કે જીટીયુમાં 100% પૂછાય, કાં તો તમને 3માં પૂછાય, કાં તો 2માં પૂછાઈ શકે। ફીડર, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमेन। फरीथी फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमेन आ त्रणेय त्रण डेफिनेशन 3 अंकमां पूछाई सके छे अने घणी वखत पूछायेली पण छे, पेपर जोई लेजो। पछी यस पछी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर फीड करवानी रीतो। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर छे एने फीड करवानी अलग अलग रीतो। हवे आ विद्यार्थी मित्रों ए केटली वखत एग्जाम में पूछेलो छे अने 7 मार्क में पूछेलो छे। शुं पूछो? 7 मार्क में पूछेलो छे 3 वखत। छेल्ला 3 वर्षथी आ क्वेश्चन वारंवार पूछता आव्या छे अने ए पण 7 मार्क में पूछता आव्या छे, बराबर। एक्सप्लेन डिफरंट मेथड ऑफ फीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर एटले के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर ने फीड करवानी रीतो अथवा जोडाण व्यवस्था ना नाम आपी समझाओ। तो एमां अलग अलग प्रकारनी डिस्ट्रीब्यूटर छे। सौथी पहेली छे रेडियल सिस्टम, पेरेलल फीडर, रिंग सिस्टम और इंटरकनेक्टेड प्रकार की ग्रीड सिस्टम। तो विद्यार्थी मित्रों बहुत बहुत मोस्ट आईपी विद्यार्थी आ क्वेश्चन है जीटीयू में केटली वखत पूछेलो छे, बराबर। कनेक्शन स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बराबर। कई कई है? रेडियल, रिंगमेन, इंटरकनेक्टेड, बराबर, इंटरकनेक्टेड और पेरेलल फीडर। आम जो तो चार प्रकार की, बराबर, अलग अलग रीते पूछाय। चलो पछी छे सेकंडरी डिस्ट्रीब्यूटर फीड करण। आपणे तो सौथी अगली शुं छे, खाली एक ज प्रकारनी छे। सेकंडरी बेकंडरी याद नथी राखवानुं, मात्र खाली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर याद राखवानुं छे, बराबर, एटलुं याद राखजो। पछी आ कई एटलुं बधुं पूछातुं नथी, आ है एटलुं बधुं पूछातुं नथी अने आ पण पूछातुं નથી। એ કેવા ટાઈપનું પૂછાય એ હમણાં તમને કેવી રીતે પૂછાય એ તમને સમજાવું, બરાબર। 3 ફેઝ 3 વાયર અને 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ છે એ કેવી રીતે પૂછાય ચાલો કહી દઉં, બરાબર। હવે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન કેવો પૂછાય? 3 ફેઝ 3 વાયર અથવા 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમ આ ક્વેશ્ચન એવો પૂછે છે અને જીટીયુમાં એક વાર પૂછેલો છે કે 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમનો ડાયાગ્રામ દોરી સમજાવો। 3 ફેઝ 4 વાયર સિસ્ટમનો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને લગતો ડાયાગ્રામ દોરી સમજાવો। તો એ 7 માર્કમાં પૂછેલો એક વખત ક્વેશ્ચન છે અને એક વખત 4 માર્કમાં પૂછેલો છે, બરાબર। સિંગલ ફેઝ 2 વાયર સિસ્ટમ કોઈ દી નહીં પૂછાય। ચલો પછી नेक्स्ट क्वेश्चन ए छे फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन की डिजाइन। फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन आ कहीं कवर करने जरूर नहीं। सींगल फेज एसी डिस्ट्रीब्यूशन की गणतरी कहीं कवर करने जरूर नहीं, बराबर है। चलो पछी है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन इंटीग्रेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रीड, ए पर कवर करजो नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन फायदा शू आ पूछाय विद्यार्थी 3 मार्क में पूछी सके छे। पछी एना गैरफायदा पण कवर कर लेना, बराबर। आटला टॉपिक है जो सौथी अगत्यना है, मने लगे एटला टॉपिक जो सौथी अगत्यना है, बराबर। चलो ख्याल आवी गयो। आमांथी न्यूमेरिकल एक वखत पूछेलो है, तमे जे स्कीप आराम से तमे स्कीप करी सको छो, आराम से स्कीप करी सको छो अने तमे तमारी रीते बीजा टॉपिक बीजा क्वेश्चन तमे सिलेक्ट करी तमे एमां सारा मार्क मेळवी सको छो, बराबर। एक ज दाखलो पूछातो होय एना पर थोड़ी खोटेखोटी एमां एटली मेहनत कराय नहीं, पण एनी जग्याए मैं तमने कीधुं ए प्रमाणे जे आगळनो क्वेश्चन हतो 3 फेज 4 वायर सिस्टमनो छे डायग्राम दौरी समझाओ ए टॉपिक कवर कर लेजो, बराबर। कारण के ए जीटीयूमां पूछाय छे अने पूछवाना चांसेस पण बहु एटले बहु वधारे छे। डन। चलो हवे लास्ट चैप्टर और सौथी अगत्यनुं ए पण केटला 15 मार्कनुं अने 15 मार्क आमां आ चैप्टर में रोकड़ा मेळववा बहु सहेला छे। कारण के आ चैप्टर में लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड टॉपिक है। एटला टॉपिक एवा के एटला कर नाखो एटले तमने मार्क मळे। सौथी पहेलो ज क्वेश्चन अने ए छे सब प्रश्न कोने कहेवाय। ल्यो पहेलो ज क्वेश्चन 2 मार्क में। ल्यो सब प्रश्न कोने कहेवाय? नाना गीगला होय एने पण आपणे के सब प्रश्न कोने कहेवाय, नाना बच्चाने पण खबर छे, बराबर। सब प्रश्न कोने कहेवाय? खबर छे के जुदा जुदा अलग अलग साधनों छे, एवुं जूथ छे जे मोटा प्रमाण में इलेक्ट्रिकल एनर्जीनो यूज थाय छे, पण तमने खबर छे। अने एमां आपणे वोल्टेज वधारो घटाडो करी, पावर फेक्टर वधारो घटाडो करी अने आपणे पसार करवामां आवे एने सबट्रेक्शन कहेता होय छे। सबट्रेक्शन वर्गीकरण पूछाय अने पूछेलो पण छे। सबट्रेक्शननुं वर्गीकरण तो सबट्रेक्शननुं वर्गीकरण केटला प्रकारे छे तमने खबर ज छे। सबट्रेक्शन वर्गीकरण सर्विसना आधारे होय, कार्यना आधारे होय, कंट्रोलना आधारे होय अने माउंटिंगना आधारे होय छे। 7 मार्क में पूछाय, बराबर, का तो 4 मार्क में पूछी सके छे। 4 मार्क में तो पूछायेलो ज छे, खबर पड़ी। पछी छे अलग अलग सबट्रेक्शन वर्गीकरण में हवे एना अंदरना टॉपिक में गया कि आउटडोर सबट्रेक्शन अने इनडोर सबट्रेक्शन छे एना उपरना फायदा अने गैरफायदा। आ पण विद्यार्थी मित्रों 3 मार्क में क्वेश्चन पूछायेलो छे, बराबर है। पछी इनडोर और आउटडोर वच्चे सबट्रेक्शन सरखामणी 4 मार्क में पूछेलो क्वेश्चन है। पछी सबट्रेक्शन में अलग अलग इक्विपमेंट आए, बराबर, जो तमने खबर है। सबट्रेक्शन है सबट्रेक्शन में अलग अलग इक्विपमेंट आए, पावर ट्रांसफॉर्मर होय, पछी आइसोलेटर होय। तो अलग अलग प्रकारना जे इक्विपमेंट है इक्विपमेंट विषे समझाओ एवुं तमने के, बराबर। कोईपण इक्विपमेंट तमने नाम आपे अने इक्विपमेंटना नाम आपी कोईपण विषे समझावनी के तो ए पूछी सके छे सबट्रेक्शनना इक्विपमेंट विषे, बराबर। तो तमने ख्याल ज छे। पछी एटले तमने कवर कर लेजो। पछी सबट्रेक्शन में कंट्रोलना साधनों आ क्वेश्चन पूछाय बराबर। आ त्रण मार्कमां एक्जाम 2022 पेपर आ 2021 पेपर में पूछेलो क्वेश्चन है कि सब स्टेशन में कंट्रोलना साधनों नाम आपी समझाओ। तो सौथी पहले एम पर पूछाय कि कंट्रोल रूम की जरूरियात शुं छे बराबर है, कंट्रोल रूम की जरूरियात शुं छे अने एमां केवा केवा प्रकारना साधन यूज थाय तमने खबर ज छे, रेकॉर्डर, कंट्रोलर, पछी प्रोटेक्टिंग रिले, मिमिक डायग्राम, स्विच बोर्ड, पेनल्स, आ बधुं छे एक सब स्टेशनना कंट्रोलना साधनों छे बराबर। पछी नेक्स्ट टॉपिक पर जईए ए छे अलग अलग प्रकारनी शू है, अलग अलग प्रकारनी बसबानी गोठवणी है, अलग अलग प्रकारनी बसबानी गोठवणी। तो सौथी पहला खबर होवी जोईए कि बस बार कोने कहेवाय, बस बार शू है। तमने खबर है कि बस बारनुं मुख्य कार्य शू है, वोल्टेज लेवले चालती जुदी जुदी लाइन ने इलेक्ट्रिकली जोड़वानुं काम कोण करे, बस बार बराबर। हवे बस बार है, बस बार अलग अलग प्रकारों है, बस बार प्रकार केटला है तो ये खबर होवी जोईए, रिजिड प्रकारना बस बार अने स्ट्रेन प्रकारना बस बार। अने बस बार है ए बस बार है गोठवणीना प्रकार टोटल केटला है, 7 प्रकार है। सिंगल बस बार, बस सेक्शन साथेनी सिंगल बस बार सिस्टम, मेन ने ट्रांसफर बस बार सिस्टम, अलग अलग 7 प्रकार है। एमां आपणे बस बारनी गोठवणी नाम आपी समजाव के तो 2 मार्कमां पूछी शके छे। पछी 7 मार्कमां क्वेश्चन पूछेलो है 66/11 kV डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशनों 11 kV डायग्राम बराबर 100% पूछाय, विद्या 100% पूछाय ज बराबर। पछी एज टाइपना क्वेश्चन पोल माउंटेड सब पूछाय बराबर है, जे करूँ छूँ वधारे भार आपजो। 66/11 kV पोल माउंटेड सबस्टेशननी आकृति दौरी समझाओ। पछी डायरेक्ट टॉपिक आवे छे ए छे केबल्स विषे, शू पूछे केबल्स। हवे केबल्स में केवी रीते पूछाय चलो ये समझाई दऊँ कि केबल केटला प्रकारना छे, शू पूछाय केबल है ये केबल केटला प्रकारना छे। चलो सौथी पहला समझाई दिए कि केबल क्या क्या प्रकारना छे, शू है अने केवा टाइपना क्वेश्चन ए टॉपिक में पूछाय। केबल शू है, केबल ए एक करता वधारे इन्सुलेटेड पड धरावता वाहकोनुं एक जूथ है बराबर है। हवे केबल तो घणा बधा प्रकारना छे जे तमे तो आम तो खबर ज छे, जे आपणे ओलामां भणी गया अंडरग्राउंड केबल, ओवरहेड केबल। तो एमां सौथी पहला विद्यार्थी मित्रों पूछाय कि ओवरहेड लाइन वर्सेस अंडरग्राउंड केबल वच्चेनो तफावत आपो बराबर पूछी सके छे। अथवा एम पूछाय कि ओवरहेड लाइनना फायदा गैरफायदा, अथवा एम पूछाय अंडरग्राउंड केबलना फायदा गैरफायदा बराबर। पछी पूछाय केबलनुं वर्गीकरण बराबर, शुं पूछाय केबलनुं वर्गीकरण। एनी पहेला पूछाय केबलनी सामान्य रचना बराबर। एनी पहला सौथी पूछाय ने केस में पूछेलो है कि केबलनी सामान्य रचना दो समझाओ। तो तमने खबर है ने कि भाई आ रीते केबल होय छे बराबर, आ रीते केबल होय छे बराबर, आ रीते केबल होय छे, आ रीते होय छे। एमां सौथी पहला आने कोर कहेवाय, पछी आने मेटालिक शीट कहेवाय, आने कहेवाय आर्मनिंग कहेवाय, आने सर्विंग कहेवाय बराबर है, आने बेन्डिंग कहेवाय, आने कहेवाय इन्सुलेशन कहेवाय। तो आ टाइपनो क्वेश्चन है ए 100% पूछाय है अने घणी वखत पूछेलो पण छे। केबलनी सामान्य रचना पछी केबलनुं वर्गीकरण, केबलनुं वर्गीकरण है ये टोटल आम जोईए तो 4 आम जोईए तो 7 प्रकारनुं केबलनुं वर्गीकरण है बराबर। एटले कि 4 भागमां पूछी शके। केबलनुं वर्गीकरण कोरनी संख्याने आधारे, वोल्टेज लेवलना आधारे, बंधारणना आधारे, इन्सुलेशनना लेवलना आधारे आवी रीते केबलनुं वर्गीकरण करीए छे। एमां सौथी पहला विद्यार्थीनुं एक वखत क्वेश्चन केवा केवा टाइपनो पूछाय, एमां अहीं केवुं छे केबलना प्रकार 2 मार्कमां पूछाय बराबर। केवा टाइपना क्वेश्चन पूछेलो छे, एक है एचएसएल केबल पूछेलो है। एचएसएल केबल 2020 में के 2021 में आई थिंक पूछेलो है। एचएसएल केबल की आकृति दौरी समझाओ पूछेलो है। तो है एचएसएल केबल है एने आकृति दौरी समझावानुं पूछेलो है, फायदा गैरफायदा पूछेला है बराबर। एटले ए टॉपिक कवर कर लेजो। एवी रीते पूछाय सुपर टेन्शन केबल बराबर, सुपर टेन्शन केबल ए पण पूछाय एस एट सी बराबर, एसटीसी सुपर टेन्शन केबल नानो अमथो पूछाय, बहुत नानो अमथो क्वेश्चन है। पछी नेक्स्ट टॉपिक पर जाए है ओवरफील्ड केबल और सॉलिड केबल की सरखामणी बराबर। ये टॉपिक तमे स्कीप करो करी सको छो बराबर, स्कीप करो तो कही सको। पछी गैस फील्ड केबलना फायदा और गैरफायदा पूछेलो क्वेश्चन है बराबर, टॉपिक पर वधारे फोकस करजो। पछी केबलना रेटिंग क्या क्या प्रकारना है, पछी एक कवर करो नहीं, आ नहीं सॉरी आ कवर नहीं, आ नहीं, आ नहीं, डायरेक्ट अहीं आवतो रह्यो। केबलना साइजनी पसंदगी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल प्रमाणे केबलना साइजनी पसंदगी हूँ केवी रीते करी सकूँ, केबलना साइजनी पसंदगी केवी रीते करी सकूँ। तो आ बहु अगत्यनो विद्यार्थी क्वेश्चन है। अने साथे साथे बीजो क्वेश्चन है ए तमने क्वेश्चन लखी दऊं छूं ए छे केबल में वपराता इन्सुलेटिंग मटीरियलना गुणधर्मो जणावो। शुं पूछाय कि केबल में वपराता जो इन्सुलेटिंग मटीरियल है ना भाई, इन्सुलेटिंग मटीरियल मटीरियल केवुं होवुं जोईए, केवा टाइपना गुणधर्मो धरावतो होवो जोईए। तो ए पण टाइपनो क्वेश्चन पूछेलो है, एटले के जावा नहीं देता बराबर, ए कवर कर लेजो। पछी ઇન્ડિયન ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રકારના અલગ અલગ જે કેબલ છે એ કેબલના અલગ અલગ પ્રકારના ફાયદા ક્યાં ક્યાં છે, બરાબર. તો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાય કે અલગ અલગ પ્રકારના ફાયદા ક્યાં ક્યાં છે. ધન અને લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ ચેપ્ટર, બરાબર, અને એ છે કેબલને પાથરવાની રીતો, કે કેબલને અંડરગ્રાઉન્ડ સિસ્ટમ હું કેવી રીતે પાથરી શકું. ઇન ઇંગ્લિશમાં કહેવાય લાઇંગ ઓફ કેબલ્સ. શું પૂછાય? લાઇંગ ઓફ કેબલ, કેવી રીતે હું પાથરી શકું. તો ટોટલ 3 પ્રકારે હું પાથરી શકું છું. એમાં સૌથી પહેલું છે જમીનમાં પાથરવાની, દિવાલમાં અને ટનલમાં, બરાબર છે. એમાં જમીનમાં પાથરવાની રીત છે, એના પાછા 3 પ્રકાર: ડાયરેક્ટ લાઇન, પછી છે ડ્રોઈંગ સિસ્ટમ, અને ત્રીજું છે એ છે સોલિડ સિસ્ટમ, બરાબર છે. તો કેબલ પાથરવાની રીત છે, કેબલ પાથરવાની રીત 4 માર્કમાં પૂછી શકે છે. પૂછાય કે કેવી રીતે, કઈ કઈ રીત છે, નામ આપી સમજાવો, બરાબર. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આ બધા ટોપિક આપણે પૂરા કર્યા, અને આપણે આખું જે TND ટોપિક છે એ TND ટોપિકનું આપણે કમ્પ્લીટલી એનાલિસિસથી સમજાવ્યું મેં તમને, બરાબર છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે 1, 2, 3, 4 અને 5 આ પાંચે 5 ચેપ્ટરમાંથી સૌથી વધુ પહેલો ચેપ્ટર, ચોથું અને પાંચમું આ એવા ચેપ્ટર છે કે પહેલું, બીજું, ચોથું, પાંચમું એવા ચેપ્ટર છે કે જેમાંથી વધુમાં વધુ ક્વેશ્ચન પૂછાય. અને ત્રીજું ચેપ્ટર છે EHV ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ. તો આમાંથી વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ અલગ પ્રકારની અસર થાય છે, જે કોરોના અસર, પ્રોક્સિમિટી અસર, પછી આપણે ફેરન્ટી ઇફેક્ટ છે, પછી સ્કીન ઇફેક્ટ છે. તો એવા પ્રકારની આ EHV ટ્રાન્સમિશનનો અલગ અલગ ઇફેક્ટ છે, એ ઇફેક્ટ તમારે કવર કરી લેજો, બરાબર. 10 માર્કમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો 4 કે 3 માર્ક તમારા આ ઇફેક્ટ કરી નાખો, તમારા રોકડા થઈ જાય, ખબર પડે, બરાબર છે. તો વિદ્યાર્થી EHV ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમમાં શા માટે આપણે EHV હાઈ વોલ્ટેજ આપણે ટ્રાન્સમિટ કરવું જોઈએ, એ પણ બેમાં પૂછાય છે. ઇન શોર્ટ કે આપણે પહેલું, બીજું, ચોથું, પાંચમું પછી તમારો સમય હોય તો EHV ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ પર વધારે ફોકસ કરજો. ડન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સુધી લેક્ચર રાખીએ, અને કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને કહેજો. અને હવે પહેલું તમારું હમણાં ટૂંક સમયમાં તમારું પેપર છે, અને એના રિલેટેડ કાંઈ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટમાં મને કહેજો, કોઈ પણ ડાઉટ હોય, બરાબર. કારણ કે હું પણ થોડાક અહીંયા ક્લાસીસમાં થોડુંક બિઝી હોઉં છું, એટલે હું નથી લાવી શકતો, પણ તમે મને કહેશો કે સાહેબ આ ટૉપિક મશીન છે, તો મશીનમાં આ ટૉપિક અમને નથી આવડતા, અથવા TNDમાં નથી આવડતા, તો આપણે એક નાનો તો લાઈવ સેશન રાખશું, અને લાઈવ સેશનમાં તમારા જેટલા ક્વેશ્ચન હશે એ હું તમને સોલ્વ કરાવી આપીશ, બરાબર છે. તો મેક્સિમમ લોકોને શેર કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને વધુ સુધી પહોંચાડો. અને મારુતિ એકેડેમી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સૌથી પહેલાં સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, અને ટેલિગ્રામમાં ન જોડાણા હોય તો ટેલિગ્રામમાં પણ જોડાઈ જાઓ, જેથી તમને બધી ઇન્ફોર્મેશન તમને મળતી રહે. ટેલિગ્રામમાં તમને આ PDF છે, PDF પર તમે પ્રોવાઈડ થઈ શકે, બધી વસ્તુ ઇન્શોર્ટ તમને મળી રહે, બરાબર છે. તો કંઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો. બાય. તો અહીં સુધી લેક્ચર રાખીએ. બાય, ટેક કેર, સી યુ સૂન, વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ.